एक दफा एक शख्स के फार्म हाउस में रात को एक चमकती हुई रोशनी गिरती है जिसकी वजह से उसके खेत को काफी नुकसान पहुंचता है। ये रोशनी असल में एक मैजिकल क्रिएचर थी। जब वो सुबह देखता है तो काफी गुस्सा होता है, अपने तीनों बेटों को बुलाता है और अपने सबसे छोटे बेटे जॉन को पहरा देने का कहता है। एक रात वो पहरा दे रहा होता है कि उसे कुछ आवाजें सुनाई जाती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे बहुत बड़ा खूबसूरत और सफेद रंग का घोड़ा नजर आता है। वो उसे देखकर बहुत हैरान होता है, उसे पकड़ने के लिए उस पर रस्सी फेंकता है मगर घोड़ा भागने लगता है और जॉन रस्सी के साथ खींचा चला जाता है। आगे जाकर घोड़ा मिसबैलेंस होकर पानी में गिर जाता है। जॉन उसकी मदद करता है, उसे वहाँ से निकाल लेता है। वो घोड़ा उसका शुक्रिया अदा करके वहाँ से चला जाता है। जॉन अपने घर वापस आ जाता है, उसे फिर से आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो देखता है तो दो बहुत खूबसूरत आला नस्ल के घोड़े वहाँ खड़े थे। इससे पहले कि जॉन कुछ कर पाता, पीछे से एक छोटा घोड़ा बोलकर बताता है कि ये तुम्हारे लिए तोहफा है और उसका नाम फॉल है। ये छोटा घोड़ा असल में उस घोड़े का बेटा था जिसकी जान जॉन ने बचाई थी। फिर जॉन फॉल पर बैठ जाता है। फॉल बहुत तेज स्पीड से भागता है जिसकी स्पीड देखकर जॉन बहुत हैरान था। फिर एक जगह वो रुकते हैं और फॉल सिटी बजाता है। सिटी की आवाज सुनकर स्टेबल में खड़े घोड़े दौड़कर उसके पास आ जाते हैं। जॉन इन घोड़ों को बेचने के लिए मार्केट में ले जाता है जहां लोग उन घोड़ों को देखकर बहुत हैरान होते हैं क्योंकि उन लोगों ने इससे शानदार घोड़े पहले कभी नहीं देखे थे। वो इन घोड़ों को खरीदने के लिए बोली लगाते हैं और फॉल जॉन से कहता है कि वो घोड़े पीछे बैठे बूढ़े आदमी को बेच दे, मगर जॉन अपने घोड़े सिर्फ बादशाह को ही बेचना चाहता था। इतने में बादशाह वहाँ आ जाता है और जॉन से घोड़ों की कीमत पूछता है, मगर बादशाह का वजीर बताता है कि उसे लगता है कि ये घोड़े चोरी के हैं। किंग इसी बात का फायदा उठाकर वो दोनों घोड़े जॉन से ले लेता है, जिसके बाद जॉन उदास हो जाता है। जॉन को उदास देखकर फॉल फिर से सिटी बजाता है और वो घोड़े भागकर उनके पास आ जाते हैं, मगर घोड़ों की वजह से किंग की बग्घी पलट जाती है और किंग आटे में गिर जाता है। किंग को जॉन पर बहुत गुस्सा आता है मगर आवाम की वजह से वो चुप हो जाता है और जॉन से घोड़े खरीदने की बात करता है। किंग के लोग उसे समझाते हैं कि जॉन को अपने पास काम पर रख ले, इस तरह घोड़े भी मिल जाएंगे और वो जॉन से अपनी बेइज्जती का बदला भी ले लेगा। जॉन मान जाता है और महल में काम करने लगता है। किंग का असिस्टेंट एक दिन किंग से कहता है कि क्यों ना हम जॉन को एक फायरबर्ड लाने के लिए भेजें जिसे लाना बहुत ही खतरनाक है। पहले तो किंग सोचता है मगर फिर किंग मान जाता है और जॉन से बात करता है। जॉन भी चैलेंज कबूल कर लेता है और जाने की तैयारी करने लगता है। पहले तो फॉल उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये बहुत खतरनाक काम है, जो भी उस बर्ड को लेने गया है वो कभी वापस नहीं आया, मगर जॉन फॉल की बात नहीं मानता और वो दोनों जंगल में चले जाते हैं। फॉल वहाँ पर जॉन को ड्रीम नट्स दिखाता है और कहता है कि ये नट्स फायरबर्ड के बहुत ही फेवरेट हैं और वो इसको खाने के बाद बेहोश हो जाएगा। वो अपने साथ बहुत से नट्स लेकर बर्ड की जगह पर चले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर फॉल जॉन को बताता है कि बर्ड जमीन के नीचे रहता है। फिर वो कुछ नट्स वहाँ पर फेंक देते हैं जिनकी खुशबू सूंघकर फायरबर्ड बाहर आ जाता है और नट्स को खाने लगता है। नट्स खाते ही वो बेहोश हो जाता है। अब जॉन जैसे ही उसको पकड़ने के लिए उसके पास जाता है, उसे फिर से होश आ जाता है और वो उस पर हमला कर देता है। जॉन और फॉल भागने लगते हैं। फायरबर्ड के हमलों की वजह से पूरे आइलैंड को आग लग जाती है। इसने जॉन और फॉल को पकड़ लिया था, जिस पर जॉन आखिरी नट उसके पास फेंकता है जिसे खाकर बर्ड बेहोश हो जाता है। अगली सुबह वो देखते हैं कि उन्होंने बर्ड को एक चेयर में कैद कर लिया था। जब जॉन बर्ड को देखता है तो बर्ड रोने लगता है। ये देखकर जॉन को उस पर तरस आता है, उसे आजाद कर देता है। फायरबर्ड वहां से उड़ जाता है और जाते हुए जॉन को एक पंख बतौर गिफ्ट दे देता है। वो पंख चमक रहा होता है। अब फॉल जॉन को कहता है कि तुमने किंग का काम पूरा नहीं किया, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, मगर इसकी परवाह किए बगैर वो महल वापस आ जाता है और किंग को सारा मामला बताता है, मगर किंग यकीन नहीं करता। अगले दिन जॉन को फांसी होने वाली थी। जब जॉन को फांसी के लिए ले जाया जाता है, जॉन पंख को बाहर निकालता है मगर अब पंख चमकना बंद कर चुका था। वो उसे मारने ही वाले थे कि वहाँ पर फायरबर्ड आ जाता है जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं और जॉन की बातों को मान लेते हैं। अब किंग को जॉन की सजा खत्म करनी पड़ती है और वो जॉन को प्रमोट भी कर देता है। किंग अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था और वो अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था, इसलिए वज़रा से कुछ और प्लान करने का कहता है, जिस पर वजीर उसे बताते हैं कि क्यों ना हम जॉन को माउंटेन क्वीन को लाने के लिए भेजें। अगर जॉन उसे ना ला सका और मारा गया तो हमारा बदला पूरा हो जाएगा, अगर वो उसे ले आया तो आपका इसमें फायदा है, आप उससे शादी कर लेना। जॉन इस बार भी मान जाता है। जॉन और फॉल उसी साल्ट माउंटेन पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो प्रिंसेस रहती थी, मगर किला के अंदर जाने के रास्ते पर एक बहुत मोटी बर्फ की दीवार थी जिसे तोड़ पाना तकरीबन नामुमकिन था। इतने में फायरबर्ड का एक पर उड़ता हुआ आता है और दीवार से टकराता है जिससे दीवार टूट जाती है और पानी का सिलाब आ जाता है और उसी पानी में बहकर फॉल नीचे गिर जाता है। जॉन किले के अंदर जाता है और देखता है कि वहाँ पर बहुत सी लड़कियां बर्फ के बने हुए बिस्तर पर सो रही होती हैं। इसे पता नहीं होता कि इनमें से प्रिंसेस कौन है। इतने में फायरबर्ड का पर फिर से आता है, वो एक लड़की के पास जाकर उसे जगा देता है। जॉन को यकीन आ गया था कि यही लड़की शहजादी है। जॉन उससे कहता है कि उसका बादशाह उससे शादी करना चाहता है, जिस पर वो प्रिंसेस कहती है कि अगर किंग इतना ही बहादुर होता तो वो खुद आता। ये कहकर प्रिंसेस पहाड़ से छलांग लगा
लगा देती है। जॉन भी अपनी जान की परवाह किए बगैर उसके पीछे छलांग लगा देता है और फाल उड़कर उन दोनों को बचा लेता है। नीचे आकर फाल को पता चलता है कि जॉन प्रिंसेस को पसंद करता है। वो जॉन को समझाता है कि अगर किंग को इस बात का पता चल गया तो वो तुम्हें मार डालेगा। शहजादी छुपकर उन दोनों की बातें सुन लेती है। वो महल में आ जाते हैं। जब किंग प्रिंसेस को देखता है तो शादी के लिए प्रपोज करता है, तो प्रिंसेस कहती है कि वो एक शर्त पर शादी करेगी, जब किंग उसकी खोई हुई रिंग लाएगा जो उसे उसकी दादी ने दी थी और वो एक समुद्र में गिर गई थी। किंग ये शर्त सुनकर परेशान हो जाता है। इतने में जॉन भी वहाँ आ जाता है और किंग ये काम भी जॉन को सौंप देता है। जॉन मान जाता है क्योंकि किंग ने जॉन को ना मानने पर प्रिंसेस को मारने की धमकी दी थी। फाल जॉन को बताता है कि वो रिंग समुद्र में एक वेल के पेट में है जो समुद्र के बिल्कुल बीच में एक आइलैंड के पास मिलेगी। जॉन और फाल उड़कर उसी जगह जा रहे होते हैं कि रास्ते में कुछ परिंदों से टकराने की वजह से जॉन पानी में गिर जाता है, जहां वो बहुत बड़ी बड़ी लोहे की जंजीरों को देखता है जिनसे एक वेल मछली को बांधा गया था। पानी से बाहर आने पर वो देखता है कि ये वेल ही असल में वो आइलैंड है जिसे वो ढूंढ रहे थे। जॉन वेल को देखकर उससे पूछता है कि उसके साथ ऐसा किसने किया, जिस पर वेल बताती है उसने काफी अर्सा पहले कुछ जहाजों को निगल लिया था जिसके बाद बाकी सेलर्स ने उसे बांध दिया, मगर अब वो अपनी गलती सुधारना चाहती है। ये सुनकर जॉन उसको आजाद कराने का सोचता है। उसके जेन में आइडिया आता है कि अगर वो वेल को छींक दिलाने में कामयाब हो गए तो ये ना सिर्फ जहाज पेट से बाहर निकालेगी बल्कि वो आजाद भी हो जाएगी। जॉन फाल पर सवार होकर उसके नाक में जाता है जिस पर वेल को छींक आ जाती है और वो जहाज बाहर निकाल देती है और आजाद होकर वापस पानी में चली जाती है। अब जॉन और फाल रिंग ना मिलने की वजह से काफी परेशान होते हैं। इतने में वहां पर एक केकड़ा आकर उन्हें रिंग दे देता है। असल में ये रिंग जॉन के लिए बतौर तोहफा वेल ने दी थी। वो वापस आकर वो रिंग प्रिंसेस को देते हैं जिसे देखकर वो समझ जाती है कि जॉन उसे बहुत प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ जॉन को प्रिंसेस को अगवा करने के जुर्म में नौकरी से निकाल दिया जाता है और मौत की सजा सुनाई जाती है। फिर प्रिंसेस किंग से कहती है कि अगर वो तीन मुख्तलिफ बर्तनों में नहाएगा जिनमें से एक में गर्म पानी, दूसरे में बर्फ का पानी और तीसरे में उबलता हुआ दूध हो तो वो फिर से जवान हो जाएगा और वो इससे शादी कर लेगी। किंग मान जाता है, मगर किंग का वजीर कहता है कि क्यों ना ये तजर्बा पहले जॉन पर किया जाए, इससे पता भी चल जाएगा और आपका बदला भी पूरा हो जाएगा। प्रिंसेस फाल को इससे बचने का तरीका बताती है कि अगर वो पहले पॉट में उसकी दादी की रिंग, दूसरे में फायरबर्ड का पंख और तीसरे में लाइफ और डेथ फ्लावर डाल देगा तो जॉन बच जाएगा, मगर डेथ फ्लावर दुनिया के दूसरे कोने में मिलेंगे और तुम्हारी स्पीड से ये काम जल्दी हो जाएगा। और फाल फूल लेने के लिए निकल जाता है। फिर जॉन के लिए वो बर्तन तैयार कर लिए जाते हैं और जॉन को पहले बर्तन में डाला जाता है। तब ही प्रिंसेस चुपके से अपनी रिंग उसमें डाल देती है जिसके जादू से वो सही सलामत निकलकर दूसरे पॉट में चला जाता है। इतने में फायरबर्ड का पंख जो एक डब्बे में कैद था वो भी वहां से निकलकर उस बॉट में जाता है और जॉन उससे भी सही सलामत निकलकर तीसरे बॉट में चला जाता है जिसमें उबलता हुआ दूध था। दूसरी तरफ फाल फ्लावर के पास पहुंच गया था, मगर उसे पता चलता है कि जो भी इस फूल को तोड़ेगा वो मर जाएगा, लेकिन वो अपनी जान की परवाह किए बगैर उस फूल को तोड़ लेता है। दूसरी तरफ महल में मौजूद लोगों को लगता है कि जॉन इस पॉट से कभी बाहर नहीं आएगा, वो मारा गया है और वो सब वापस जाने लगते हैं। तभी वहां पर फाल आता है और फ्लावर को पॉट में डाल देता है जिससे जॉन एक प्रिंस बनकर बाहर निकल आता है, जिसे देखकर किंग भी पहले पॉट में जंप लगा देता है, मगर जवान होने के बजाय वो मरकर एक बबल में कैद होकर हवा में उड़ जाता है। सारे लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं और जॉन को अपना नया किंग बना लेते हैं। जॉन और प्रिंसेस फाल को ढूंढने निकल जाते हैं। फाल को लगता है कि वो मर जाएगा, मगर प्रिंसेस उसे बताती है ये उसका सिर्फ एक टेस्ट था जिसमें वो पास हो गया है। वो महल में वापस आ जाते हैं और प्रिंसेस और जॉन की शादी हो जाती है। वो उसी खुशी रहने लगते हैं। यहीं पर इस कहानी का एंड हो जाता है।